हेलो फ्रेंड्स, मैं बहालेन एचएम हर्बल से हूं और आज मैं आपको बताने जा रही हूं हमारे मिनी डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में। यदि आप मिनी डिस्टिलेशन यूनिट बाय करते हैं तो आपको मिनी डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है हमारे पास 5 लीटर कैपेसिटी। जब हम लीटर्स की बात करते हैं तो कंटेनर की वॉल्यूम को शो करती है। उसी तरीके से यदि हम देखेंगे तो ये हमारा 10 लीटर है और ये हमारा है 20 लीटर। चलिए अब मैं आपको इसके एक्सेसरीज के बारे में एक एक करके बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वो जाली है। जाली को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये क्लैंप है, क्लैंप को भी आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वेरी इजी टू ओपन है। ये देखिए, ये प्योर SS304 की ही आपको बनी हुई मिलेगी। आपको दोबारा मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको मिनी डिस्टिलेशन यूनिट में क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। और फिर आप ये जो देख रहे हैं वो कनेक्शन पाइप है, ये कंडेंसर है, ये आउटपुट है। अगर इसकी बात करें तो ये सारी चीजें भी प्योर SS304 की ही आपको बनी हुई मिलेंगी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर इनबिल्ट विथ कैफ है और ये भी पूरे SS304 की ही आपको मिलेगी। उसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा फूड ग्रेड सिलिकॉन गैस्केट है और अंदर की बात करें तो इस तरीके का ये कंटेनर है। कंटेनर के लिए मैं आपको बताई हूँ, ये हमेशा कंटेनर की वॉल्यूम को ये शो करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, ये जो आप दो पाइप इसमें कनेक्ट किया हुआ जो आपको पाइप दिख रहा है वो एक इनपुट है और ये आउटपुट है। और ये पाइप की जो मेजरमेंट होती है वो 2 मीटर्स की हमने पाइप दी हुई है और इस पे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इस पाइप में लिखा हुआ है ये आउटपुट है। और अगर नीचे की पाइप की बात करें तो ये इनपुट के लिए होता है। चलिए मैं आगे अब आपको बता रही हूँ कि हम जो ये मिनी डिस्टिलेशन यूनिट में कुछ एडिशन किया हुआ है। यदि हम बात करें तो आप इसको देख सकते हैं, ये टेम्परेचर मीटर है, इसे टेम्परेचर गॉज भी बोला जाता है। ये अभी जब इसकी बात करें तो ये रूम के हिसाब से इसकी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री। यदि हम किसी चीज को इस पे प्रोसेस करते हैं तो जब इसकी टेम्परेचर शो होती है 100 डिग्री से लेके 110 तक। उसके बाद सामने एक चीज आप देख रहे हैं, ये है बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी हुई सेपरेटर। ये भी हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। ये भी हमने न्यू एडिशन किया हुआ है। तो ये सारे खासियत हमारे मिनी डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर प्रोवाइड कराई जा रही है। और आप इस मिनी डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू आप रोज वाटर बना सकते हैं, काउ यूरिन को डिस्टिल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक प्लांट से आप अर्क निकाल सकते हैं और एसेंशियल ऑयल भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि लैब टेस्ट पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगी कि हमारा जो लास्ट में जो हम किसी जब हम किसी क्लाइंट को यहाँ से सप्लाई करते हैं तो जो हमारा पैकिंग मटेरियल होता है वो इस तरीके के पैकिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि हम ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई कराते हैं। यदि और भी आपको इसके बारे किसी भी ट्रेड इंक्वायरी के लिए आप सभी लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7028370283 पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है support@shmharbal.com।